कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई। बताया गया है कि उसकी गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये गुरुद्वारा कनाडा के सरी में मौजूद था। इस टारगेट शूटिंग में खालिस्तानी समर्थक निज्जर को कई गोलियां मार दी गई, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हरदीप सिंह निज्जर भारतीय एजेंसी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। भारत में हिंसा और अपराध के कई मामले में उसका नाम सबसे ऊपर था। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में जारी एक लिस्ट में निज्जर का नाम शामिल था, जिसमें 40 अन्य आतंकवादी भी थे। निज्जर पर पिछले साल यानी कि 2022 में पंजाब के जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप था। इस हत्याकांड के बाद उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। खालिस्तानी टाइगर फोर्स ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। निज्जर इस संगठन का मुखिया था। निज्जर पर भारत में कई तरह की और आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप था। आतंकी गतिविधियों को लेकर NIA ने भी उसके खिलाफ जांच करनी शुरू कर दी थी। हालांकि अब उसे एक शूटआउट में मार दिया गया है। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस हत्याकांड के पीछे कौन है। कनाडा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खालिस्तानी आंदोलन को लेकर भारतीय एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। हाल ही में वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया अमृतपाल समेत उनके तमाम समर्थकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद कनाडा और बाकी देशों में काम करने वाले खालिस्तानी समर्थकों को बड़ा झटका लगा था। हाल ही में अमृतपाल के करीबी और खालिस्तान समर्थक अवतार सिंह खांडा की भी अस्पताल में मौत हो गई थी। खांडा भी NIA की वांटेड लिस्ट में शामिल था। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।